G20 जो दो दिन का समिट था उसमें पहले दिन अलग अलग बैठकें हुई, अलग अलग ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जो पूरे विश्व को इस समय परेशान कर रहे हैं, खासकर G20 से संबद्ध देशों को। आज का जो दिन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग विश्व नेताओं से मुलाकात करनी थी। बहुत सारी उनकी मुलाकातें हुई, बहुत कुछ निकलकर इसमें से सामने आया है, लेकिन सबसे खास शायद मुलाकात रही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से। यूक्रेन में पुतिन के एक्शन से बाली में बाइडेन टेंशन में आ गए। पोलैंड ने आरोप लगाया कि रूस ने उस पर हमला किया है, लेकिन बाद में यूक्रेन वजह निकला। लेकिन ऐसी एक खतरनाक जंग सारी दुनिया को हैरान कर दिया। ये लड़ाई G20 की मीटिंग के दौरान हुई जिसमें जुबान तीर बन गए। इस युद्ध में एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे तो उनका मुकाबला कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कर रहे थे। इस दौरान जिनपिंग का चेहरा देखने लायक था। ये देखिए, ऐसा पहली बार है कि जब कैमरे पर दुनिया के दो बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर आपा खोया हो। सबसे पहले समझिए आखिर जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो के बीच हुआ क्या। कनाडा और चीन के बीच जुबानी जंग का एक बैकग्राउंड है जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री चीन पर यानी जिनपिंग पर उनके यहाँ होने वाले चुनावों में दखलंदाजी करने का इल्जाम लगा चुके हैं। कनाडा में एक स्थानीय एजेंसी ने दावा किया कि चीन कथित तौर पर चुनाव में सीधे तौर पर शामिल था, जिसने हाल के एक मतदान उम्मीदवारों के गुप्त नेटवर्क को फंड दिया था। ये बताया गया कि इस कथित गुप्त नेटवर्क के कुछ सदस्य जानबूझकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन पर दूसरे देशों के चुनावों में दखलंदाजी करने का आरोप लगा हो। कनाडा से पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन को इसके खिलाफ चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और नौबत यहां तक आ पहुंची। चीन को लेकर दुनिया में नकारात्मकता रिकॉर्ड स्तर पर है। कोरोना को लेकर चीन का झूठ सारी दुनिया पर भारी पड़ा। कई देश और लोग कोरोना महामारी के लिए चीन को दोषी मानते हैं, इसीलिए अब वो खुलकर चीन के राष्ट्रपति को ललकार रहे हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। दुनिया भर के देश हिंदुस्तान के शांति संदेश पर विश्वास जता रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शांति के लिए हम एक ही एजेंडा साझा करते हैं। हम भारत की आगामी G20 अध्यक्षता के तहत फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है।
कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। बड़ी बात यह है कि G20 घोषणा पत्र के मसौदे पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गतिरोध बना हुआ था, जिसमें आम सहमति बनाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई, जिसके केंद्र में पीएम का रूस पर दिया गया बयान था। बाली में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया और दुनिया को बताया कि आखिर हिंदुस्तान बाकी देशों से अलग क्यों है। भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। तो दुनिया मानती है कि भारत ही यूक्रेन युद्ध का शांति से निपटारा करवा सकता है। अब इसका फायदा G20 संगठन को भी होगा, जिसके देश गंभीर मतभेदों से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे विस्फोटक रूप जिनपिंग ट्रूडो के बीच जुबानी जंग के रूप सारी दुनिया हैरानी से देख रही है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।